रेखा और अमिताभ के बारे में तो सब जानते हैं कि दोनों के अफेयर्स की चर्चाएं बीटाउन में बहुत ही ज़्यादा थी। लेकिन आपको पता है 80-90 के दशक के कामयाब अभिनेता राज बब्बर और रेखा की बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी। जी हाँ, उस वक्त बहुत करीब आ चुकी थी रेखा। एक वक्त इनकी जो करीबी थी वो सुर्खियों में थी। ये वो वक्त था जब राज बब्बर दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल की मौत से सदमे में थे, वहीं रेखा के मन में अमिताभ बच्चन थे और रेखा बेहद दुखी थी। लेकिन करती तो करती क्या, अमिताभ बच्चन से रिश्ता टूटने की टीस ऐसी थी कि वो उन्हें भुलाए नहीं भुला पा रही थी। बॉलीवुड की एवर ग्रीन अभिनेत्री रेखा का नाम सबसे ज़्यादा केवल और केवल अमिताभ बच्चन के साथ ही जोड़ा जाता है। इसके बाद उनका चर्चित अफेयर विनोद मेहरा के साथ रहा, लेकिन एक और अभिनेता है जिसके साथ उनका नाम जोड़ा जाता रहा है। जी हाँ, जिसके प्यार में वो कभी पड़ चुकी हैं। ये अभिनेता थे राज बब्बर। 80-90 के दशक में कामयाब अभिनेता राज बब्बर और रेखा की करीबी एक वक्त सुर्खियों में रही। ये वक्त था वो जब बेहद अकेले हो चुके थे राज बब्बर और वो दर्द में डूबे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ रेखा भी दर्द में डूबी हुई थी। भावनात्मक रूप से एक दूसरे के दुख दर्द दोनों बांटने के लिए एक साथ हो गए। इस दौरान राज और रेखा किसी फिल्म में भी साथ काम कर रहे थे। अकेलेपन में इन्हें एक दूसरे का सहारा मिला। हालांकि राज पर अपनी पहली पत्नी नादिया के पास लौटने का दबाव भी था, वो उनके पास वापस जाना भी चाहते थे, लेकिन रेखा ऐसा कतई नहीं चाहती थी। एक बार की बात है, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रेखा और राज में इसी बात को लेकर मुंबई की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर जमकर बहस हो गई। रेखा इस दौरान राज से इतनी नाराज हो गई कि वो नंगे पैर ही दौड़ते हुए वहां से चली गई। कहा गया कि यही उनके और राज बब्बर के रिश्ते का अंत था। बाद में कई इंटरव्यूज में रेखा से जब इस मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने तो राज के साथ अपने रिश्ते को भी खुलकर नहीं कबूला था, मगर राज बब्बर ने रेखा से अपने अफेयर के बारे में कभी कुछ नहीं छिपाया। उन्होंने कबूल किया था कि वो और रेखा बेहद करीब थे, लेकिन अगर उनकी पहली पत्नी बीच में नहीं आती तो हो सकता था कि रेखा के साथ इनका रिश्ता पक्का हो जाता। लेकिन अफसोस की बात है कि रेखा आज भी अकेली हैं, कल भी अकेली थी और न जाने कितने दिनों तक वो अकेली रहेंगी। देखते रहिए बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस गॉसिप पर ढेर सारे कमेंट कीजिए।